हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम फोटोकेमिस्ट्री के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आगे डिस्कस करें, आपको यह जानकारी दूं मैं कि इससे पहले हम फोटोकेमिस्ट्री पर 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पर प्रसारित किए जा चुके हैं। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो का जो लिंक है वो आई टेप में आपको ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप क्लिक कर करके देख सकते हैं। वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में मैं आपको इस फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको मैं शेयर करके हम रखेंगे, जिससे कि आप कभी भी वहाँ से सीधे उन वीडियोज को देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस यानी कि प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं, तो इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सामान्य अभिक्रियाएं होती है वहां हम पढ़ते हैं नॉर्मल कैटालिटिक रिएक्शंस यानी कि सामान्य उत्प्रेरक अभिक्रियाएं। तो ये भी एक प्रकार की वही उत्प्रेरक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन किस रेफरेंस में? इन द रेफरेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो यानी कि कोई एक यहाँ पर एक फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे रिएक्शन मिक्सर में आपको उपलब्ध है, वो पहले प्रकाश का अवशोषण करेगा और फिर हमारा जो सबस्ट्रेट है जो कि हमारा मुख्य या कहने चाहिए कि रिएक्टेंट है, उन्हें वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और वो फिर वहां पर जाकर के क्या करेंगे, अभिक्रिया को संपन्न करेंगे और वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो वापिस से अपनी पुरानी स्थिति में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस यानी कि कुछ अभिक्रियाएं हैं विच डू नॉट एग्जीक्यूट और इनिशिएट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट रेडिएशन, यानी कि सामान्य प्रकाश अवशोषण से वे न तो शुरू होती हैं और न प्रभावित होती हैं। बट इफ यू इंट्रोड्यूस सम अदर सब्सटेंसेज, जैसे कि मैंने अभी फॉरेन पार्टिकल की बात करी, लेकिन यदि हम कुछ ऐसे पदार्थ उस अभिक्रिया मिश्रण में डाल देवे तो एक्चुअली वे प्रकाश का अवशोषण करते हैं और अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रिएक्टेड मॉलिक्यूल को और वहां अब अभिक्रिया क्या होती है, शुरू होती है एंड अप्रोचेस टू कंप्लीशन। सो द एडेड सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड एट एंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के अंत में जो एडेड सब्सटेंस था वो परिवर्तित नहीं होता। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, यानी कि ऐसे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं कहलाती है। एंड द एडेड सब्सटेंसेस इज नोन एज फोटोसेंसिटाइजर, प्रकाश संवेदक, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसेंसिटाइजेशन, प्रकाश संवेदन। फॉर द पर्पस ऑफ सेंसिटाइजेशन एटॉमिक मर्करी, कैडमियम, जिंक एक्सेट्रा एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोफिनोन, सल्फर डाइऑक्साइड आर यूज्ड। क्या मैकेनिज्म है फोटो सेंसिटाइजेशन की? जो मैकेनिज्म है वो एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है जो कि डोनर एक्सेप्टर सिस्टम पर काम करता है। कैसे? कि जो फर्स्ट स्टेप है वहां हमारा जो डोनर मॉलिक्यूल है, डोनर मॉलिक्यूल कौन सा, जो हमारा अदर सब्सटेंस है, वो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करेगा और अवशोषण करके कहाँ चला जाएगा, अपनी फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड। यहां पर जो डोनर है सिंगलेट डोनर वो कन्वर्ट्स हो जाएगा अपनी ट्रिपलेट डोनर स्टेट में, ये अपने ट्रिपलेट डोनर स्टेट में वाया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब यहां से जो ट्रिपलेट डोनर स्टेट है वो एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टू द एक्सेप्टर ट्रिपलेट स्टेट, यानी कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसको, एक्सेप्टर को जो कि ट्रिपलेट स्टेट में है। वो जो ट्रिपलेट स्टेट में अब एक्सेप्टर है वो वहां पर क्या करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा और जो डोनर है वो वापस अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ये एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें हम फोटोसेंसिटाइजेशन की अभिक्रिया को ऊर्जा के द्वारा समझ सकते हैं। ये ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि फोटोसेंसिटाइजर यानी कि जो डोनर है हमारा वो सिंगलेट ग्राउंड में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिंगलेट वन में गया, इसे हम 1D कह सकते हैं। यहां से वो अपनी ट्रिपलेट डोनर स्टेट में आया, वहां से ट्रिपलेट डोनर ने एक्सेप्टर की ट्रिपलेट डोनर में एनर्जी ट्रांसफर करी और वहां पर वो केमिकल रिएक्शंस क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अदरवाइज यदि ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं करता है तो हम जानते हैं ये रेडिएटिव प्रोसेस होगा और ये फॉस्फोरेसेंस की घटना यहां पर संपन्न हो जाएगी।
अब इम्पोर्टेंट क्या फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस के बारे में है, इनके वेरियस एग्जांपल्स, इनके जितने एग्जांपल्स आप देख सकते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है डिसोसिएशन ऑफ एस टू मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी वेपर। डियर फ्रेंड्स, एस टू मॉलिक्यूल कैन नॉट डिसोसिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट ऑफ 2.37 एंगस्ट्रॉम इमिटेड फ्रॉम द मर्करी वेपर लैंप। यानी कि मर्करी वेपर लैंप से जो 2537 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट है उसके द्वारा एच टू मॉलिक्यूल का क्या डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन ये एच टू गैस यदि मर्करी वेपर के साथ फिक्स कर दी जाए और यूवी लाइट में एक्सपोज कर दी जाए तो यहाँ डिसोसिएशन हो जाएगा। इसका मतलब जो मर्करी है यहाँ पर वो फोटोसेंसिटाइजर के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी कि मर्करी ने लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, इसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया किसको, H2 को। H2 अब अपने एक्साइटेड स्टेट में है और यहां पर अब H2 का क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया। ये डिसोसिएशन, ये जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन एटम है अब ये आगे मेटल ऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल्स ऑफ फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस ऑफ मर्करी लाइक डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। The reaction takes place by the absorption of light of 253.7 nanometer. However, reactions may occur. हालांकि यह अभिक्रिया मर्करी वेपर की एब्सेंस में भी हो सकती है, परंतु मर्करी वेपर की एब्सेंस में इसकी जो रेट है वो 200 गुना तक बढ़ जाती है और क्वांटम यील्ड कितनी, 7 तक आ जाती है फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन केस में। तो अमोनिया मर्करी वेपर ने जो एक्साइटेड स्टेट में आ गया वहां से अपनी एनर्जी को इसने लिया, अमोनिया एक्साइटेड ब्रेकअप हो गया NH2 एंड H, HH H2 में कन्वर्ट हो गया, NH2 N2O4 बना लिया, यानी कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन से डिसोसिएट होकर के अमोनिया एंड NH2 बनाता है, NH2 अगेन N2+2H2 का फॉर्मेशन कर देता है। तो डिसोसिएशन अमोनिया में ऑल्सो बी इंड्यूस्ड और इनिशिएटेड बाय द फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस बाय मर्करी। Now the formation of H2O and H2O2 from H2 and O2 in presence of mercury vapor. तो mercury vapor की सहायता से H2 और O2 का अभिक्रिया द्वारा H2O एवं H2O2 का निर्माण करना। 3H2+2O2 निर्माण करते हैं किसका, H2O का एंड H2O2 का। क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, यानी कि मर्करी ने एनर्जी एब्जॉर्व करी, मर्करी एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन ब्रेकअप हो गया। नाउ द एटॉमिक हाइड्रोजन नाउ रिएक्ट्स विद दिस HO2 टू फॉर्म HO2, नाउ HO2 एंड HO2 टू गिव H2O2, अगेन HO2 में आल्सो रिएक्ट विद द H2 टू गिव H2O2 एंड H। नाउ द फॉर्म्ड H2O2 आइदर कैन बी सेपरेटेड, या तो हम इसे अलग कर सकते हैं या डिसोसिएट हो सकता है H2O और O2 के अंदर। इसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सिल का निर्माण कैसे हो सकता है, तो मर्करी अगेन वही फोटोसेंसिटाइजेशन का काम करेगा। यहाँ पर H2 से ब्रेकअप हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड से HCO, HCO ने अगेन H2 से रिएक्शन, HCHO अगेन एटॉमिक हाइड्रोजन, दो HCO ने मिलकर के HCHO और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और दो HCO मिलकर के हम जानते हैं ग्लाइऑक्सिल का निर्माण कर सकते हैं। तो यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मेशन भी मर्करी द्वारा आसानी के साथ फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन के माध्यम से हो सकता है। नाउ डिसोसिएशन ऑफ इथीन, नाउ इथीन C2S4 किसमें कन्वर्ट हो गया, इथाइन में। यह भी संभव है किसके माध्यम से, मर्करी के द्वारा। नाउ द डिसोसिएशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एज फोटोसेंसिटाइजर, यानी कि क्लोरीन जो है फोटोसेंसिटाइजर के तौर पर यहां पर काम आ रहा है। क्लोरीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी कि क्लोरीन तो है वो आसानी से यूवी लाइट की वजह से Cl2 में डिसोसिएट हो सकता है, परंतु O3 नहीं। लेकिन क्लोरीन और ओजोन को यदि हम मिक्स कर दें और यूवी लाइट दे दें 478.5 नैनोमीटर, देन O3 मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएटेड एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल रिमेन अनचेंज। कैसे, क्लोरीन ब्रेकअप, क्लोरीन O3 Another substance ClO3 excited, ClO3 O3, ClO2, ClO2 O3, ClO3, clear? Yeah, another unknown substance which help in transferring the absorbed energy to the substance, जो सिर्फ energy transfer में यहाँ पर काम आ रहा है।
However, HClO3 and HClO4 are also present in trace amount in the moist environment. यदि moist environment हो तो वहाँ पर HClO3 and HClO4 जो कि क्लोरीन की सुपरऑक्सीडेंट स्टेट होती है वहाँ पर भी ये उपलब्ध होता है। ये जो ClO3 forms है वो Cl2O6 के रूप में रहता है और ये कोलाइड होकर के वॉल से अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और Cl2O6 बन गया, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों वॉल से रिलीज टकरा करके Cl2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए, तो Cl2 हमें वापस से यहाँ पर मिल गया। सम अदर फोटोसेंसिटाइजेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की एक और कुछ रिएक्शंस, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन, फॉस्पिन का डिसोसिएशन, ये कुछ एग्जाम्पल है। Now another example, conversion of malic acid into fumaric acid in presence of photosensitizer bromine. तो जो bromine है वो act as a photosensitizer to convert malic into fumaric. Important example. Now sensitized by cadmium vapor. Cadmium vapor polymerization of ethene को क्या करता है? Sensitize करता है। तो आपको इन सब की एक 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 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए और ये एग्जाम के अंदर फोटोसिंथेसाइज रिएक्शंस पर शॉर्ट नोट्स के रूप में कई बार पूछा जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजेशन मेथाइन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिनोन, तो जो बेंजोफिनोन है आपका यहाँ पर, ये बेंजोफिनोन ये फोटोसेंसिटाइजर है और ये डाइजो मेथेन को क्या कर देगा? डिसोसिएट कर देगा। टू ब्यूटेन का आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एज ए फोटोसेंसिटाइजर, तो सिस टू ब्यूटेन ट्रांस टू ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है इस फोटोसेंसिटाइजर की वजह से। इन सॉलिड फेज जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है कोटेड विद सिल्वर ब्रोमाइड इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट लाइट ऑफ येलो एंड रेड वेवलेंथ रेडिएशन, बट व्हेन फोटोसेंसिटाइजर लाइक रेड डाई इज मिक्स्ड विद द इमल्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड अलाउड टू एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ रेड लाइट एंड फॉर आयर रीजन दे रिएक्ट एंड डेवलप द रिजल्टेंट फिल्म, यानी कि जो येलो एंड रेड लाइट है उसको सिल्वर ब्रोमाइड की जो लेयर्स है फोटोग्राफिक फिल्म पर वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन यदि कोई फोटो सेंसिटाइजर लाइक रेड डाई को यदि हम मिक्स करते हैं विद इमल्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड तब ये सब प्रोसेस संभव होता है और फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है फोटो सेंसिटाइजेशन इन सॉलिड फेज सिल्वर ब्रोमाइड। नाउ फोटोसेंसिटाइजेशन इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन स्टेट में क्वांटम यील्ड इज 0.5 और मोर फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये हमने यूरेनिल ऑक्सैलेट एक्टिनोमीटर के अंदर भी हमने देखा था कि ये यूरेनिल ये जो है एक्टिवेटेड स्टेट में ऑक्सैलिक एसिड को ब्रेक कर देता है और हमें पता है कि यहाँ पर इस ऑक्सैलिक एसिड का हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेशन करके हम क्या करते हैं एक्टिनोमीटर की सहायता से इंटेंसिटी ऑफ द जो रेडिएशन डिटेक्टर में वो कैलकुलेट करता है। द लास्ट एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एज वी ऑल नो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशंस एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू फॉर्म अवर फूड। फॉर द रिएक्शन डेल्टा जी इज वेरी मच पॉजिटिव इन एब्सेंस ऑफ लाइट, so equilibrium definitely shifted towards the left side, but in presence of light chlorophyll absorb the radiation of proper wavelength 683 nanometer and then reaction proceeds towards the right side and delta g becomes negative for the reaction. Kelvin ने इस photosynthesis के लिए दो steps suggest किए। first step जो कि light reaction यानी कि प्रकाश अभिक्रिया है जिसमें कि सबसे पहले photolysis of water टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण होने के साथ ही क्या होता है वाटर का फोटोलिसिस होता है। दिस स्टेप इज वेरी फास्ट। नाउ द सेकंड स्टेप चूंकि अंधेरे में भी संभव है उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो हाइड्रोजन रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन रिलीज हुई नाउ गेट्स अटैच्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, तो यानी कि जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा डार्क रिएक्शन के अंदर है। दिस इज ए स्लो स्टेप एंड ऑल्सो रेड डिटरमाइनिंग स्टेप। सो एम केल्विन वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री 1961 फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज
ऑल अबाउट डियर फ्रेंड्स रिगार्डिंग फोटो केमिस्ट। आई होप ये जो फोटो केमिस्ट्री के जो चारों लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं और रिकॉर्डेड होकर के यूट्यूब पर अब आपके सामने उपलब्ध है, आप प्लीज़ इन्हें देखिए। और कहीं पर भी आपको यदि कहीं समझ में नहीं आता या कुछ इश्यूज हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताइए। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स वन अगेन।